Hello everyone, welcome to this channel. I am CS Ritu. This video is about Coal India Limited. Coal India Limited के शेयर की अगर बात करें तो शेयर करंटली 226.3 पे ट्रेड कर रहा है एंड लास्ट वन मंथ में 8% के नेगेटिव रिटर्न आए हैं बिकॉज डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से, उसका एडजस्टमेंट भी हुआ है तो 8% के नेगेटिव रिटर्न आए हैं, बट 6 मंथ्स में 15% तक ये शेयर बढ़ा है एंड इस ईयर में 46% तक ये शेयर बढ़ा है. लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स नेगेटिव है, 15% के नेगेटिव रिटर्न इस शेयर में 5 ईयर में आए हैं. आज कोल इंडिया का प्रोडक्शन एंड ऑफटेक का डेटा आया है, तो कैसा डेटा आया है, कंपनी का प्रोडक्शन कैसा रहा है कोल का एंड सप्लाईज कैसी रही हैं, दिस विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट दिस वीडियो. अगर प्रोडक्शन की बात करें तो नवंबर मंथ में कोल इंडिया का प्रोडक्शन आया है 60.7 मिलियन टन एंड लास्ट ईयर अगर देखें लास्ट ईयर प्रोडक्शन था 53.8 मिलियन टन, तो 13% का अपसाइड है प्रोडक्शन में नवंबर के मंथ में. अगर कंसोलिडेटेड प्रोडक्शन देखें एक्चुअल दिस ईयर अभी तक कितना प्रोडक्शन हुआ है अप्रैल से नवंबर तक, तो प्रोडक्शन कंपनी का आया है 412.6 मिलियन टन एंड लास्ट ईयर इस पीरियड में प्रोडक्शन था कंपनी का 353.4 मिलियन टन. तो इसके हिसाब से 17% की कंसोलिडेटेड प्रोडक्शन के डेटा में अपसाइड है. एंड ऑफटेक का डेटा अगर देखें सप्लाईज कैसी रही है, तो सप्लाईज के डेटा में भी अच्छा इंप्रूवमेंट यहां पर दिख रहा है. नवंबर मंथ की अगर बात करें तो सप्लाईज आई है 59.4 एंड लास्ट ईयर नवंबर देखें तो सप्लाईज थी 56.7, तो अराउंड 4.7% की ग्रोथ हुई है सप्लाईज में. एंड अगर कंसोलिडेटेड देखें अप्रैल से नवंबर तक सप्लाईज आई है 445.1 मिलियन टन, जो कि लास्ट ईयर थी 421.1 मिलियन टन. तो इसके हिसाब से 5.7% की अपसाइड है ऑफटेक के डेटा में, सप्लाईज भी कंपनी की इंक्रीज हुई है. इसके अलावा कंपनी ने टोटल टारगेट सेट किया था इस ईयर के लिए 700 मिलियन टन का प्रोडक्शन का, जो कि 412.6 मिलियन टन तक अभी तक अचीव हो चुका है. अभी कंपनी को 287.4 मिलियन टन का कोल का प्रोडक्शन करना है फॉर द रिमेनिंग 4 मंथ ऑफ करंट फिस्कल. तो कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना 99.7% का प्रोडक्शन टारगेट जो था इस ईयर के लिए वो ऑलरेडी अचीव कर लिया है एंड अब उनको 6.7% का टारगेट और अचीव करना है रिमेनिंग 4 मंथ्स में. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोल इंडिया लिमिटेड प्रोडक्शन एंड ऑफटेक डेटा. With this, I wrap up this video. I hope ये video आपको अच्छा लगा हो. Video अच्छा लगा है तो video को like करिए and channel को subscribe करिए ताकि हमें motivation मिले हम आपके लिए ऐसे और important videos लाते रहें. Thank you for giving us your time and thank you for watching this video.